केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश CDFUP ने दवा विक्रेता समिति भालूटिया मार्केट की संबद्धता खत्म कर दी है। संबद्धता समाप्त होने की वजह से दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे को CDFUP जोन 12 के महामंत्री पद से भी निष्कासित हो गए हैं। संबद्धता खत्म होने के बाद दवा विक्रेता समिति स्थानीय स्तर की इकाई होकर रह गई है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD पूरे देश में थोक व फुटकर दवा विक्रेता समिति का सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन से CDFUP से जुड़ा हुआ है। दवा विक्रेता समिति भालूटिया मार्केट दवा विक्रेता समिति गोरखपुर के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे को CDF जोन 12 के महामंत्री के पद के हटने के संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने कहा, तो उनके ऐसे निष्कासन कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, बोलेंगे योगेंद्र नाथ दुबे, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। सर, आपको क्यों बाहर किया गया, क्या मामला है? गोरखपुर दवा संगठन में जब चुनाव हुआ था तो मैं और मेरी टीम भारी बहुमत से जीत के आई है, और गोरखपुर की जनता ने ये दिखा दिया है कि नहीं, ये जुझारू अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे और महामंत्री आलोक चौरसिया दोनों जुझारू हैं, और हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। और जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हो गए तो फार्मासिस्ट की समस्या बहुत बिकट थी। इस समस्या को लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। जिस समय फार्मासिस्ट की समस्या के कारण बहुत सारे व्यापारियों का उत्पीड़न होता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया और फार्मासिस्ट का उत्पीड़न रुक गया। ये चूँकि प्रदेश के महामंत्री थे, इनको ये बात लग गई, इस नाते तभी से ये टसर लिए हुए थे, और आज इन्होंने तमाम समय से प्रदेश महामंत्री रहते हुए संस्था में बहुत सारे गमन किए हैं, और इनके ऊपर संगठन महामंत्री जो CDFUP के थे, इनके सुधीर अग्रवाल जी ने 4.5 करोड़ के गमन का आरोप लगाया है। बनारस की हंगामेदार मीटिंग में इनके गमन के आरोप में ये खुद ही ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से निष्कासित कर दिए जा चुके हैं। तो जो खुद ही गमन के आरोप में, करोड़ों के गमन के आरोप में खुद ही निष्कासित है, उसको गोरखपुर इकाई को निष्कासित करने का कोई मतलब नहीं होता है। सर, जिन्होंने बाहर किया, क्या नाम है उनका? जिन्होंने बाहर किया, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन के महामंत्री हैं श्री सुरेश गुप्ता जी, उन्होंने अपना तानाशाही रवैये से बाहर किया है, जबकि वो अपने घोटाले का जवाब नहीं दे रहे हैं। आज करोड़ों का घोटाला है, ऑल इंडिया ने उनको खुद ही निलंबित कर रखा है, और बार बार उनसे मांगने पर हिसाब नहीं दे रहे हैं। आगे अगर ये लोग नहीं मानते, आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे? ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इनको खुद निकाल देगी। आज इनकी संबद्धता का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि ऑल इंडिया में इनकी कोई सुनवाई है नहीं, प्रदेश में कोई जिला इनके साथ सुनवाई कर नहीं रहा है। तो ऐसे संगठन नहीं चलता है जो भ्रष्टाचारी है, जिसके ऊपर गमन का आरोप है, वो क्या निष्कासित किसी को करेगा? आगे सर आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे आप गोरखपुर जिला इकाई का अध्यक्ष हूँ, और गोरखपुर जिला इकाई में मजबूती के साथ हैं, और बाकी आगे की जो रणनीति होगी हम अपने संगठन के साथ बैठ के तैयार करेंगे, और उसको जोरदार तरीके से कार्य करेंगे। हम कार्य करने के लिए आए हैं, जनता ने हमको चुन के भेजा है। हमने अपने मार्केट में बहुत सड़क बनवा दी और तमाम कार्य कर दिया हम लोगों ने, और हमारे व्यापारी सुरक्षित हैं, किसी प्रकार का व्यापारियों का कोई उत्पीड़न नहीं है, व्यापारी खुश हैं। उनके निष्कासन करने से क्या होता है, पहले वो अपनी छवि सुधारें, अपने निष्कासन को बचाएं, तब मुझको निष्कासित करेंगे।